गुड आफ्टरनून. आज आपण बीएलच्या लेक्चर मध्ये फोर्थ पॉइंट नंतरचा फिफ्थ पॉइंट फ्री कन्सेंट बघणार आहोत. आपण जे काही टॉपिक मागच्या लेक्चरला स्टार्ट केला होता त्याचं नाव आहे इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ अ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, तर इथे हे जे व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्याच्यासाठी कुठले कुठले एलिमेंट्स गरजेचे आहेत, किंवा आपल्याला आपण जसं वन बाय वन इथे बघू शकतो की फर्स्ट आपण पॉइंट काय पाहिलं की ऑफर किंवा प्रपोजल काय आहे, तुमचं इंटेन्शन कसं असलं पाहिजे, लीगल रिलेशनशिप कशा तर पद्धतीने तयार झाली पाहिजे, त्यानंतर थर्ड पार्ट येतो की लॉफुल कन्सिडरेशन असलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही एखादं कॉन्ट्रॅक्ट करताय तर त्यामध्ये तुमचा विचार कसा असला पाहिजे, लॉफुल विचार असणं म्हणजे काय असतं. तर मी ते तुम्हाला मागच्या लेक्चरला सांगितलं की कुठलीही गोष्ट लिगली करणं किंवा त्यामध्ये इथिकल मॅनर्स युज करणं कशा पद्धतीचा विचार तुमचा असला पाहिजे. त्यानंतर फोर्थ पॉइंट तुमचा होता की कॅपॅसिटी दोन्ही पार्टीची आपण कन्सिडर केली की एक पार्टी कॅपेबल आहे पण अदर पार्टी कॉन्ट्रॅक्टसाठी दोन पार्टीज गरजेच्या आहेत, तर इथे सेकंड पार्टी जी आहे ती पण कॅपेबल आहे की नाही या गोष्टी चेक करायच्या. त्यासाठी तुम्ही एज ऑफ मेजॉरिटी पाहिली, साऊंड माइंड पाहिलं, किंवा डिस्क्वालिफिकेशन आहे का ते पाहिलं, म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही ती कॅपॅसिटी काय केली मेजर केली. त्यानंतर आता फिफ्थ पॉइंट जो आहे दॅट इज फ्री कन्सेंट. फ्री कन्सेंट मीन्स व्हॉट, तर इथे तुम्हाला दोन पार्टी ज्या आहेत त्यामध्ये कन्सेंट असणं म्हणजे काय की सेम सेन्स असणं दोघांचाही दोन्ही पार्टीचा. जसे की हमने देखा ए पार्टी है बी पार्टी है तो ए पार्टी की भी परमिशन है बी पार्टी की भी परमिशन है, दोनों एग्री है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब सेम सेन्स है दोनों के. एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट. दैट पार्टीज आर सेड टू बी ऑफ द सेम माइंड व्हेन दे एग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर. अभी कौन सा भी सब्जेक्ट है, कौन से भी टाइप का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. अभी का जो टॉपिक हमारा है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो जो भी आपका टाइप है तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव मैटर्स है तो उसके अंदर दोनों पार्टीज का सेम सेंस होना बहुत जरूरी है. सेंस मतलब क्या है, जैसे हमें फाइव सेंसेस के बारे में पता है, कौन से फाइव सेंसेस सबको पता है क्या है, टच है स्मेल है, वैसे ही यहाँ पे जो सेंस रहता है एक कि जिसके बारे में हम क्या सोचते हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन, जो हमने टॉपिक देखा कि आपकी जो थिंकिंग पावर है आपका जो कंसिडरेशन है वो सेम सिमिलर टाइप का होना बहुत जरूरी है. बिसाइड्स द कंसेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कोअर्शन. अभी यहाँ पे जो भी आप थिंक करोगे कंसिडरेशन जो भी होगा तो ये विदाउट होना चाहिए कि चीज दी कौन सी चीज दी है यहाँ पे कोअर्शन, यानी यहाँ पे किसी भी चीज की जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, कोर्शन नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया ना कि फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता, दोनों फ्री कंसेंट होना जरूरी है. यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई भी बैड इम्पैक्ट उसका नहीं होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. कि जैसे हम लोग बनाते ना कॉन्ट्रैक्ट देखते कि लास्ट ईयर ही ब्रिज बना और इस साल तो पूरा पानी में गया या डूब गया, तो ये क्या हुआ कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ. जो कॉन्ट्रैक्ट बना था जिन लोगों ने बनाया था जिनके बीच हुआ था उन्होंने जो भी काम किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सही नहीं था, उनका लॉफुल कंसिडरेशन नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ ब्रिज रहा ही नहीं, उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम थी. इज दैट क्लियर ना. फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना है. अभी जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि आपको इथिकल मैनर्स यूज करने हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब जाके बनता है. तो यहाँ पे जबरदस्ती कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट के जैसे हमने ए बी पर्सन देखे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पर्सन है तो किसी के ऊपर भी जबरदस्ती नहीं चलेगी यहाँ पे, तब जाके ये वैलिड बनेगा. मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है. जो भी है आपकी कैपेसिटी जब मेजर की जाती है आप कितने मैच्योर हो, एज लिमिट्स अगर है तो उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है. अगर आप लायबल नहीं हो तो आप फ्रेंकली बता सकते हो कि हम लायबल नहीं है तो हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए.
जैसे हम बहुत बार सुनते हैं ना, आप लोग टीवी प्रोग्राम्स के अंदर वो डायलॉग सुनते हो कि गलती से मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ पे गलती से भी मिस्टेक नहीं करनी है, ओके ना। तो इस तरह से ये आपका फ्री कंसेंट रहेगा, ओके। सो सिक्स पॉइंट क्या है आपका, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत बार हमारे ऑब्जेक्ट ही अगर गलत होते तो उसके जो इन्फ्लुएंस है वो भी बैड इम्पैक्ट ही होगा। उसके अंदर अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट किस तरह का है, पर्पस क्या है आपका। अगर दो पर्सन के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उनके ऑब्जेक्ट क्या बताते हैं, मुझे कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना है, मेरा पर्पस क्या है, मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ हम दोनों मिला के कुछ तो बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, तो ये लीगल लॉफुल ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इलीगल चीजों को अवॉइड करना है, ओके ना। सो द कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम इनवैलिड If the formation or performance of the contract is illegal, resulting into a crime. अगर आपका object सही नहीं है, legal नहीं है, illegal है, तो यहाँ पे crime हो सकता है आपके contract के through. तो ये valid contract होगा क्या, नहीं होगा। So under tort or opposing public policy or interest, यहाँ पे public policy क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या कहता है, पब्लिक का इंटरेस्ट किस चीज में है। आप कॉन्ट्रैक्ट जो भी बना रहे हो अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे क्राइम तो बनेगा ही, जो चीजें लीगल नहीं होती उससे तो क्राइम ही बनता है। सो फॉर एग्जांपल, एनी एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व्स परचेस ऑफ स्टोलन गुड्स और एन इलीगल ड्रग और इन्वॉल्व्स फ्रॉड और हार्मिंग समवन विल बी वॉइड। वॉइड मतलब क्या है कि जिसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर वो वैलिड ही नहीं है तो उसका सोसाइटी के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट यूजफुल नहीं है, आपके इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं होगा। सो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए कि किसी भी तरह का अगर आप किसी गुड्स की क्या कर रहे हैं, स्टोलन मतलब क्या है कि चोरी का माल है हम लोग ले रहे हैं, इलीगल ड्रग्स जो है जिसका सप्लाई किया जाता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को सप्लाई करती है, तो ये सब ऑब्जेक्ट कुछ अच्छे नहीं है, मतलब लॉफुल नहीं है, लीगल नहीं है। तो इस तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके ऑब्जेक्ट पर्पस को भी यहाँ पे देखा जाएगा और उसके थ्रू हम समझेंगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ओके ना। सो नेक्स्ट थिंग, सेवेंथ वन, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड। अभी एग्रीमेंट को हम वॉइड नहीं है ऐसा कब बोलते हैं, मतलब कि वॉइड ना होना मतलब है कि दैट इज नॉट वैलिड और लीगली बाइंडिंग। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, मिनिमम सेवन पॉइंट्स लिखने हैं, ध्यान में रखो। नोट्स निकालते वक्त भी, बुक्स में तो बहुत ज्यादा मटेरियल दिया है, इतना सबक अगर आप लोगे तो शायद आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा एग्जाम को फेस करना। तो यहाँ पे मिनिमम सेवन पॉइंट्स का हर एक पॉइंट के अंदर होना बहुत जरूरी है, तो हम सेवन पॉइंट्स ही लेने वाले। तो यहाँ पे एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वर्ड में दिया है एग्जाम्पल, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रिक्ट ऑफ मैरिज। अभी ये वर्ड नहीं ऐसा डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन जैसे हमने एज ऑफ मैच्योरिटी देखा कि उसके अंदर आपके लिए कुछ लिमिटेशंस दिए कि मैरिज एक्ट भी है, मैरिज एक्ट के अंदर कुछ लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, उसे अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो ये जो एग्रीमेंट है उसके अंदर वो वॉइड होगा, यानी कि वो लीगल नहीं रहेगा, ओके ना। सो एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रिक्ट ऑफ ट्रेड, जिस तरह से हम एक्सपोर्ट इम्पोर्टिंग का बिजनेस कर लेते, तो अगर किसी कंट्री में आपके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखा है, आपके प्रोडक्ट्स वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज का रीजन हो सकता है यहाँ पे, तो इस तरह का अगर रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो उसे भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रिक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगर हम लोग देखा जाए, हम लोग देखते हैं ना कि कोर्ट में जाते हैं हम लोग, कोर्ट में जाने के बाद जो प्रोसीडिंग होती है हर एक केस की, तो लीगल प्रोसीडिंग का एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है, उसके टाइम पीरियड के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, या कोई भी डिसीजन है कोर्ट का डिसीजन वो दिया जाता है। ऐसा तो नहीं ना आज हम कोर्ट में गए, एक ही बार सुनवाई हुई और उसके अंदर ही आपको पनिशमेंट मिली और आपका जो भी ये है जो कई गुना तुम्ही केलेला है तो प्रूव झाला, असं होतं का कधी। जैसे हम लोग देखते हैं ना, तारीख पे तारीख क्यों होती है, क्योंकि हर चीज का
प्रूव देखा जाता है, फिजिकल एविडेंसेस चेक किए जाते हैं, उसके अंदर उनके लिए टाइम पीरियड दिया जाता है और बाद में क्या होता है कि डिसीजन दिया जाता है, म्हणजे त्याला म्हणतो कारवाई केली जाते. ओके, म्हणजे अशा पद्धतीचे अग्रीमेंट्स असले तरच ते काय आहे, व्हॅलिड आहे, अदरवाइज ते व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये जाते. ओके, सो अग्रीमेंट्स हॅविंग अनसर्टन मीनिंग, अनसर्टन मीनिंग मध्ये काय दिले बघा, द टर्म्स इन कॉन्ट्रॅक्ट अनसर्टन और इनकम्प्लीट. जैसे कि बहुत बार हम ऐसी चीजें जो बहुत बातें करते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर ये हो रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड है कि ये कंडीशन आ सकती है, बारिश हो रही है तो शायद हम लोग क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, ये क्या है कि अनसर्टन थिंग्स है. इस तरह से एग्रीमेंट्स नहीं बनते. एग्रीमेंट्स बनने के लिए सर्टन चीजें होना बहुत जरूरी है. सर्टन चीजें कौन सी है, जो फिक्स है, कुछ भी हो जाए. एग्रीमेंट जब हम करते हैं ना, एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि सर्टन थिंग्स होंगे, कंप्लीट डेट. अगर मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि वो सर्टन थिंग है. उस डेट को आप फिक्स क्या करोगे कि आपका जो भी प्रोमिस है वो कंप्लीट किया जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ सर्टन थिंग. Is that clear? Uncertain things को यहाँ पे avoid करना है, बिल्कुल avoid करना है. Incomplete भी नहीं होना चाहिए agreement आपका. Incomplete है मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी आप message मिलता है उसके अंदर, तो उससे आपको कुछ इतनी idea नहीं आती है कि आखिर क्या होने वाला है. जैसे कि बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं कि एक मूवी देखते, मूवी का नाम ही आखिर क्यों है, तो उसके अंदर जो भी स्टोरी दिखाई जाती है, जब तक हम पूरी स्टोरी नहीं देखेंगे हमें उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है कि ये स्टोरी का जो टाइटल है वो क्यों दिया है. उसके अंदर सर्टन थिंग्स कौन सी है उससे हमें पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या है. मीनिंग समझ में आना जरूरी है, उसमें कंप्लीटनेस होना बहुत जरूरी है, और सर्टन चीजें मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया डेट का होना बहुत जरूरी है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज वेजरिंग एग्रीमेंट्स. वेजरिंग एग्रीमेंट्स मतलब क्या है, ये भी अनसर्टन ही रहती है. जैसे हम बेट लगाते हैं ना, मराठी त्याला स्पष्ट मराठी मध्ये जुगार खेळणं म्हणतात. मग त्यामध्ये बेट लावल्यानंतर तुम्ही काय करता की अशाच अनसर्टन थिंग्स असतात की एक गोष्ट जर घडली तर मी तुला हे प्रॉमिस करेन की मी तुला हे देऊ शकतो, मी हा गेम जिंकलो तर मी तुला एवढे रुपये देईन. म्हणजे काय झालं की इथे तुम्ही एखादी शर्यत लावलेली आहे आणि ती जर तुम्ही जिंकलात तर तुम्ही काय करणार आहात की ते प्रॉमिस तुम्ही पाळणार आहात, अदरवाइज नाही. म्हणजे इथे सुद्धा अनसर्टनटी आहे, कुठली गोष्ट शाश्वत नाहीये. मग अशा पद्धतीच्या अग्रीमेंट्स नसाव्या ज्या की व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये येत नाही. ओके, इथपर्यंत बोललाय व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय काय असेल. 7 पॉइंट्स मिनिमम लिहायचे आहे. त्यानंतरचा आपला पार्ट आहे पुढचा, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. आता काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट हा पार्ट तर त्यापेक्षा जास्त इंटरेस्टिंग आहे. तुम्हाला यामध्ये खूप इंटरेस्ट येईल. बघा, तुम्ही डायग्राम बघू शकता. म्हणजे डायग्राम मध्ये काय केलंय की कुठल्याही याची मी तुम्हाला एक फर्स्ट इयरलाच आयडिया देऊन ठेवते की जनरली बीएमएस मध्ये रायटिंग असणार आहे. रायटिंग कशाशी रिलेटेड असतं किंवा क्वेश्चनचा आन्सर कसं प्रिपेअर केलं जातं. सपोज तुम्ही काय करू शकता, आता हीच डायग्राम सर्कल मध्ये टाकू शकता. ज्यामध्ये एक बिग सर्कल केलं, साईडने छोटे छोटे स्मॉल सर्कल्स तयार केले 7 पॉइंटचे. मेन पॉइंट काय आहे, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. जो इफेक्ट आहे, प्रेझेंटेशन जे आहे, पेपर प्रेझेंटेशन, ते कसं असलं पाहिजे. आता काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट लिहिताना तुम्हाला 7 पॉइंट्स येतात, पण मला ते चांगल्या पद्धतीने प्रेझेंट करायचे असतील तर मला डायग्रामचे जे पॉइंट्स आहेत ते कशा पद्धतीने डेकोरेट करता येतील, हा फार महत्वाचा पार्ट येतो. तर मग काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये पहिला येतो व्हॉइडेबल कॉन्ट्रॅक्ट. इथे सुद्धा तुम्हाला 12 पॉइंट्स दिलेले आहेत, पण तुम्हाला एक्झाम मध्ये मिनिमम 7 पॉइंट्स खूप गरजेचे असतात आणि त्यामुळे आपण प्रत्येक याच्यामध्ये 7 पॉइंट्स बघणार आहोत. तुम्हाला अगदी इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही सेल्फ स्टडी करू शकता पुढच्या पार्ट्सचा. इथे तुम्हाला व्हॉइडेबल कॉन्ट्रॅक्ट जो आहे त्यामध्ये काय सांगितलं बघा, इफ अ कॉन्ट्रॅक्ट विच कॅन बी रिजेक्टेड बाय वन ऑफ द पार्टीज ऑन लीगल ग्राउंड्स,
आता इथे दोन पार्टी, जसं आपण ए पर्सन आणि बी पर्सन घेतला होता, एका पार्टीने काय केलं की लीगल ग्राउंडवर, म्हणजे तुमचं जे पर्पज आहे ते मॅच होत नाहीये, तुमचं जो काही सेन्स आहे ते मॅच होत नसतील, तर एका पार्टीने काय केलं लीगल ग्राउंडवर, म्हणजे की सेम सेन्स नसल्यामुळे, सेम पर्पज नसल्यामुळे काय केलं की रिजेक्शन दिलंय का त्या कॉन्ट्रॅक्टला. इट इज अ कॉल्ड व्हर्डेबल कॉन्ट्रॅक्ट. वर्डेबल आहे हे कॉन्ट्रॅक्ट. वर्डेबल कॉन्ट्रॅक्ट इज अ व्हॅलिड अँड बाइंडिंग अनलेस द पार्टी एंटायटल. दॅट मीन्स द पार्टी हू हॅज लीगल ग्राउंड टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे ते लीगल कधी होईल, जर ते लीगल ग्राउंड वर रिजेक्ट केलेलं असेल एका पार्टीने, तरच ते वर्डेबल कॉन्ट्रॅक्ट हे व्हॅलिड असेल किंवा बाइंडिंग असेल. ओके, सो दॅट इज टू से वर्डेबल कॉन्ट्रॅक्ट इज वन विच कॅन बी अवॉइडेड बाय सम ऑफ द पार्टीज टू द अग्रीमेंट. Let us see under section 2 first says an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of other or others is called voidable contract. आता हे void किंवा voidable जे आहे ते legal नाही एवढं लक्षात ठेवा. यामध्ये फार डीप मध्ये जाण्याचा प्रश्न नाही. तुम्हाला त्यामध्ये त्यांनी जस्ट एक एक्झाम्पल दिला की कॉन्ट्रॅक्ट्स कुठल्या टाइपचे कॉन्ट्रॅक्ट, कॉन्ट्रॅक्ट ब्रॉट अबाउट बाय कोर्शन, जे कॉन्ट्रॅक्ट जबरदस्तीने केले जातात. तुम्हाला संध्याकाळी येऊन धमकी दिली कोणीतरी, तुमच्या मानेवर सुरी ठेवलेली, सांगितलं बघ हे काम करायचं उद्या, अदरवाईज ए ने बी ला काय केलं जबरदस्ती केली की सी ला उद्या जाऊन तू मारणार आहेस, बंदुकीच्या गोळ्या मारणार आहेस. कोर्शन झालं ना, जबरदस्ती झाली. बीची इच्छा नसेल, बीचं पर्पज नाहीये, ते बीचं ऑब्जेक्ट नाही सीला मारणं, पण ए ने काय केलं ते कॉन्ट्रॅक्ट जबरदस्ती बनवलं, दॅट मीन्स इट इज अ व्हर्डेबल कॉन्ट्रॅक्ट. ओके ना, कारण इथे संमती होती का, कन्सेंट होत का, तर नाही, कन्सेंट नव्हतं बीचं, पण बीला ते करावं लागलं, कारण काय की त्याच्यावर ते जबरदस्ती लादलं गेलं, त्यामुळे काय झालं, फ्रॉड झालं, मिसरिप्रेझेंटेशन झालं, आणि हे सगळं काय असतं व्हर्डेबल कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये येतं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट. व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट आणि व्हर्डेबल यामध्ये काय बेसिक डिफरन्स आहे बघा, की व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय केलं जातं, इथे कोर्शन किंवा हे नाहीये, पण इथे त्यांनी एक एक्झाम्पल सांगितले, कॉन्ट्रॅक्ट टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री बिकम्स अ व्हॉइड व्हेन अ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन द इम्पोर्टिंग अँड एक्सपोर्टिंग कंट्री. दोन कंट्रीज मध्ये जर युद्ध सुरू असेल आणि अशा केस मध्ये जर तुम्ही अशा पद्धतीचे इम्पोर्टिंग किंवा एक्सपोर्टिंग केलं गुड्स, दॅट इज अ व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट. ऍज पर लॉ तुम्हाला ती परमिशन मिळणार नाही. ते जे अग्रीमेंट दोन पार्टीज मध्ये होणार आहेत ते एन्फोर्सिएबल आहेत का, लॉ साठी एन्फोर्सिएबल आहेत का, ते अंमलात आणण्यासारखे आहेत का, जेव्हा दोन कंट्रीज मध्ये वाद सुरू आहे, वॉर सुरू आहे, अशा केस मध्ये जेव्हा तुम्ही एक्सपोर्ट इम्पोर्टिंग करता, ते जे अग्रीमेंट आहे दॅट इज अ व्हॉइड. दॅट मीन्स दॅट कॉन्ट्रॅक्ट इज अ व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, जसं बेट लावणं, हा सुद्धा प्रकार कसा आहे, व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये. A void contract is not a contract at all. Void contract hai actually contract madhe yetas nahi. So it is not binding and no legal action can be taken if it is broken. कारण मुळात जे लिगलच नाही त्याच्यासाठी जर ते कॉन्ट्रॅक्ट मध्येच तुटत असेल तर त्याच्यासाठी आपण कोर्टात जाऊ शकतो का, नाही. मुळात तुम्ही कोणाचा तरी मर्डर केलं आहे आणि तो मर्डर करताना तुम्ही जबरदस्तीने तो करून घेतलेला आहे सेकंड पार्टीकडून, आणि मध्येच त्या सेकंड पार्टीने काही गोंधळ केला, तुम्ही ज्याला कोणावर जबरदस्ती केली होती मर्डर करण्यासाठी, तर तुम्ही त्यासाठी त्या बी पार्टीला, मी जसं सांगितलं की तुम्ही गोळ्या झाडायला सांगितलं सीला, पण त्याच्याकडून चुकून त्या लागल्याच नाही किंवा काही गोंधळ झाला, तर अशा केसमध्ये ए पार्टी बी पार्टीला कोर्टात खेचू शकणार नाहीये, कारण ते व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट असू शकत नाही, कारण त्यामध्ये ज्या थिंग्स आहेत, जे बाइंडिंग आहे, ती लीगल बाइंडिंग नाहीये, त्यामुळे लीगल ऍक्शन इथे कुठेही घेता येणार नाहीये. सो इट इज अ व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, सो नेक्स्ट थिंग, थर्ड पॉइंट, आवर थर्ड पॉइंट इज अनएनफोर्सिएबल. अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रॅक्ट मीन्स व्हॉट? इथे सांगितलं इट इज अ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट इन लॉ, बट इट इज नॉट एनफोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट. आता आपण बऱ्याचदा म्हणतो की नाही, एक्सेप्शनल काही केसेस असतात,
टेक्निकल काही प्रॉब्लेम्स येतात, हे जनरली आपल्या बोलण्यामध्ये येतात. मग हे कशामुळे आहे, टेक्निकल इफेक्ट्स कशा पद्धतीचे आहेत, तर त्यांनी सांगितलं, इन द इव्हेंट ऑफ ब्रीच ऑफ सच कॉन्ट्रॅक्ट द अग्रीव्ड पार्टी विल नॉट बी एंटायटल्ड टू द लीगल रेमेडीज. म्हणजे एखादं कॉन्ट्रॅक्ट असं असतं की त्यावर तुम्हाला लीगल काही उपाय नसतात, कायदेशीर काही त्याच्यावर तुम्हाला उपाययोजना प्रोव्हिजन्स करता येत नाही, लीगल प्रोव्हिजन्स. मग असे कुठले कॉन्ट्रॅक्ट येतात की ते ऍक्च्युली दॅट कॉन्ट्रॅक्ट इन लॉ, व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट इन लॉ, म्हणजे अनएनफोर्सेबल आहे ते, पण ते आपण काय करू शकत नाही, त्यासाठी काही लिमिटेशन येतात, टेक्निकल डिफेक्ट्स असतात काही कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये, दॅट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रॅक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय आहे बघा, व्हेन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट आर रिड्यूस इन टू रायटिंग. आपण बऱ्याचदा म्हणतो की जे काही आहे ना ते कागदावर आलं पाहिजे. आपण बॉन्ड पेपर घेतो, बॉन्ड पेपर वर साइन्स घेतो, अग्रीमेंट करतो आणि मग ते कॉन्ट्रॅक्ट बनतं. की अशा पद्धतीने तुम्ही बऱ्याचशा ज्या केसेस आहेत कोर्टामध्ये जाणाऱ्या, त्यामध्ये रिटर्न मध्ये काही अग्रीमेंट केलेले असतात, बरोबर की नाही? पण इथे रिटर्न मध्ये काय केलेलं आहे, अवॉइड केलेलं आहे, रिड्यूस केलेलं आहे. इथे जे काही तुम्ही बोललेला आहात, स्पोकन वर्ड्स मीन्स जो भी आपने बात की है, ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू मेक अ कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे रिटर्न मॅटर जे आहे ते इथे पूर्ण रिड्यूस केलेलं आहे. दॅट कॉन्ट्रॅक्ट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रॅक्ट. अँड अ कॉन्ट्रॅक्ट इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज एंटर्ड इन टू बाय वर्ड स्पोकन ऑर रिटर्न. अँड फिफ्थ वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रॅक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रॅक्ट मतलब क्या है, कॉन्ट्रॅक्ट इन विच द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट आर inferred from the act, conduct or dealings between the parties or from the surrounding circumstances is called an implied contract. अभी यहाँ पे क्या देखा जाएगा, implied है मतलब क्या है कि यहाँ पे किस तरह की provision की जाएगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे dealings है, कुछ act है जो act किए जाते हैं as per act. मतलब आपका जो performance है कि अगर आप लेक्चर में हो तो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है. ओके ना, कि कंडक्ट कर किया मैंने, क्लास कंडक्ट किया तो मेरा एक्ट किस तरह का होगा, मेरा परफॉर्मेंस किस तरह का होगा, दैट इज इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट. डीलिंग किस तरह की होगी, डीलिंग क्या है कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे, अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो उसे आपको पूछना है, तो उसके लिए भी एक क्या दिया जाता है, फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर पूछना है. हाँ, तो यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से, दैट मीन्स इट इज बिटवीन द पार्टीज फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. आप किस सराउंडिंग में सर्वाइव कर रहे हैं, उस सराउंडिंग के कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं. जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप क्लास में हो तो क्लास के रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं, क्लास में किस तरह का एक्ट होना जरूरी है, क्लास में कोई अगर डांस करता है तो दैट इज नॉट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ओके ना, म्हणजे इथे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मध्ये ज्या अग्रीमेंट्स आहेत त्या डिफरंट टाइपच्या आहेत, त्या डीलिंग्स ज्या आहेत त्या डिफरंट टाइपच्या आहेत. ऍज पर सराउंडिंग त्या काय केले जातील, त्या ऍक्ट डिफाइन केल्या जातील. तुम्ही गॅदरिंगच्या स्टेजवर आहात आणि तिथे तुम्ही डिसिप्लिन फॉलो करताय, तुम्हाला खूप छान डान्स करता येतो, पण तुम्ही सराउंडिंगचा सर्कमस्टन्सेसचा विचार न करता तिथे फक्त डिसिप्लिन मध्ये उभे राहिलात तर तुम्हाला टाळ्या मिळणारच नाहीये. समोरचा जो ऑडियन्स आहे त्याची वाव तुम्हाला मिळणार नाहीये, कारण तुम्ही सराउंडिंगशी मॅच झालेला नाहीये, तुम्ही त्या पद्धतीचे ऍक्ट केलेले नाहीये ज्यामुळे तुम्हाला तिथे नंबर मिळालेला नाही. यहाँ पे क्या देखा जाता है कि आपको सराउंडिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस देना है. दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट फुल्ली एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इट इज टू बी इन्फर फ्रॉम द एक्ट और कंडक्ट. यहाँ पे ओनली आपके वर्ड्स काफी नहीं है. अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक्सप्रेस करना है, खुद को एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे नेसेसरी है आपका एक्ट. आप किस तरह की प्रोविजन करते हैं, किसी ने आपको, किसी टीचर ने क्वेश्चन पूछा है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज पर सराउंडिंग और एज पर सरकमस्टेंसेस,
आपको क्या करना है वहां पे, रिप्लाई किस तरह से देना है। अगर आपको जवाब नहीं भी आता है सही से, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरह से आप एक्ट करोगे। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे आवाज निकाल सकते हैं, मुझे पता है। जैसे कि मुझे लास्ट लेक्चर में एक बैड एक्सपीरियंस आया कि आपने एक टीचर के इसमें बहुत सारी आवाजें निकाली। आपका ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो स्किल है, वो अच्छा है, लेकिन आपने जहाँ पे वो एक्सप्रेस किया, जिस जगह पे आपने वो एड किया, वो जगह सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे क्या? परफॉर्मेंस के लिए आपको जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको वो जो एड है वो उस सराउंडिंग में करनी चाहिए जहाँ पे आपको जरूरत है। इज दैट क्लियर ना? दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। So, example, going by a public bus, अगर मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के लिए मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैंने बस का पास निकाला है, तो obviously मेरा act क्या होगा, मेरा performance क्या होगा? सुबह 7 o'clock को अगर मुझे बस स्टॉप से बस मिलती है, तो उससे पहले 5 मिनट मुझे बस स्टॉप पे जाना जरूरी है और उस बस को पकड़ना है। टेकिंग अ कप ऑफ टी इन अ रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट में पानी पीने के लिए जाते हैं क्या? नहीं ना। ऑब्वियसली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है टी का, लेकिन रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम कुछ ना कुछ तो ऑर्डर कर ही लेते हैं, उसमें वो एक कप चाय ही क्यों ना हो, तो ये भी तो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा तो नहीं होता है ना, रेस्टोरेंट में ओनली हम बैठने के लिए, बातें करने के लिए गए थे। अगर नहीं भी लेना है टी, तो भी हम टी तो लेते ही है। इट्स कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, बट इट्स रिलेटेड टू circumstances or surroundings. Lifting luggage to be carried out of a railway station. Railway station से हम क्या करते, लगेज को क्या करते, किस तरह से हम कैरी कर लेते, वो भी तो एक implied contract है. Obtaining a ticket from automatic weighing machine. ऑटोमेटिक वेइंग मशीन जो है वो, उससे हमें अगर टिकट मिलता है, तो ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है। जो हमने सिस्टम बना रखी है, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर हमने जो सॉफ्टवेयर यूज किए, सॉफ्टवेयर को हम जो इनपुट देते हैं, उस तरह का आउटपुट, उस तरह के रिजल्ट वो मशीन देता है, तो दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर ना? सो अंडर सेक्शन 9, सी दिस, under section 9, where the proposal or acceptance of any promise is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. An implied promise results into an implied contract. Okay, so now let us see 6 point, quasi contract. Contract is intentionally entered into by the parties. यहाँ पे जो intention है आपका, वो किस तरह का, इंटेंशनली आपको क्या किया है, जो पार्टीज है उनको कॉन्ट्रैक्ट में लिया है। ऑन द अदर हैंड, अ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड द सर्टेन ऑब्लिगेशंस व्हिच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट आर कंसिडर्ड टू बी सो बाय लॉ आर कॉल्ड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक इंटेंशन है कि दोनों पार्टीज को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो लिया है, लेकिन ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बनता किस तरह से? When a person obtains benefits at the expense of another, यानी कि जब भी हम कोई बेनिफिट मिलता है, जो भी काम करते वक्त हमने किसी एक चीज पे एक्सपेंसेस लगा दिए, हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो सर्कमस्टेंसेस क्या कहते हैं? सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट ही ऑट इक्विटेबली टू पे फॉर इट। किसी चीज पे एक्सपेंस लगाने से अगर मुझे बेनिफिट मिलती है, तो ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे पे करना जरूरी है उस सेकेंड पर्सन को या अदर पार्टी को। इज दैट क्लियर? दैट इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज डीम्ड अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ अंडर सेक्शन 68-72 डील विद अ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, हमें अगर लॉ करना है तो ठीक है, इट्स ओके, आप एक्स्ट्रा के जो पॉइंट्स है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ओनली एक सब्जेक्ट का स्टडी करना है बीएल का, और आगे जाके कुछ आपका अलग ये है ऑब्जेक्ट है, तो इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बुक देखी तो उसके अंदर इतना कुछ दिया है
कि बच्चों को बहुत बार इसमें केटीबी लगती है, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट क्या है। मैं जितना बता रही हूँ उतना ही आपके नोटबुक में भी आने वाला है, ओके ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाती है, जैसे ए पार्टी की क्या बी पार्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, एज पर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं फुलफिल करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी एग्रीमेंट्स रहते सेटिस्फाई करते दूसरी पार्टी को, हम जो भी सप्लाई करेंगे या जो भी एग्रीमेंट के अंदर हम चीजें एक्सचेंज करेंगे तो उसके अंदर हम फुलफिल करते रिक्वायरमेंट्स को। यहाँ पे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह का जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना इस तरह का कोई पार्ट नहीं रहता, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल ऐसा बताया, क्योंकि हम कहीं पे भी तो एक्सपेंस लगाते हैं ना, तो अभी यहाँ पे आपने कहाँ पे एक्सपेंस लगा दिया, ये तो कोई फिक्स नहीं रहता ना, जहां से हमें बेनिफिट मिल रहा है वहां पे करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड to enrich himself unjustly at the expense of another. म्हणजे इथे तुम्हाला डायरेक्टली तुम्ही त्या गोष्टीसाठी काय केलेलं नाहीये की that shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another. And in such contracts, rights and obligations arise by the operation of law. म्हणजे इथे ज्या काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज येतात तुमच्यावर या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये क्वेसी कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये, तर त्या कशामुळे येतात, ऑपरेशन ऑफ लव, म्हणजे त्यामध्ये जे काही ऑपरेशन तुम्ही कम्प्लीट केले, एक्सपेन्सेस केले, म्हणजे काय मी काहीतरी ऍक्टिव्हिटी केली की नाही, काहीतरी ऑपरेशन तिथे केलंय आणि त्यामुळे मला ते एक्सपेन्सेस आलेले आहेत आणि त्यामुळे अनऑबियसली इथे दोन पार्टीज मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट होतो, इज दॅट क्लिअर। सो फॉर एग्जाम्पल ट्रेड्समॅन लिव्ह गुड्स ऍट बीज हाऊस, अभी यहाँ पे ट्रेड्समॅन जो आहे ज्याला आपण व्यापारी म्हणतो, बिझनेसमॅन जो आहे, तो काय केलं त्याने की त्याने ए पार्टी जी आहे तिने बी पार्टीच्या घरी बीज हाऊस बाय मिस्टेक ए ट्रेड्समॅन जो है उसने क्या कर दिया की बी हाऊस के अंदर उसने बाय मिस्टेक गुड्स को छोड़ दिया, बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन, बीला काय वाटलं की हे गुड्स माझेच आहे, बी इज देअरफॉर बाउंड टू पे फॉर देम। ऍक्च्युली ए ने ते बाय मिस्टेक कुठे सोडल्या ते गुड्स, जे प्रोडक्ट्स आहेत ते बीच्या घरी, पण ते ऍक्च्युली बीचे होते का नाही, बाय मिस्टेक ते गेले होते, बट जर ते प्रोडक्ट्स बीला वाटते की माझ्यासाठीच होते तर त्याचा वापर तो करणारच आहे, कंजप्शन तिथे होणार आहे, म्हणजे ऑब्विसली तुमची बी ची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे की ए ला पे करा, जे काही गुड्स तुम्ही जो काही मटेरियल तुम्ही घेतलेला आहे त्या बदल्यात तुम्हाला पे करणं नेसेसरी आहे, दॅट इज अ क्वेसी कॉन्ट्रॅक्ट, इज दॅट क्लिअर ना। सो लास्ट पॉइंट इज एक्झिक्युटेड कॉन्ट्रॅक्ट, 7 पॉइंट आपको अगर चाहिए तो आप 8 के आगे के भी पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, ओके ना। सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट व्हिच इज अ डन वेयर नथिंग रिमेंस टू बी डन बाय आइदर पार्टी एंड वेयर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड एट द मोमेंट व्हेन द एग्रीमेंट इज मेड, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, यहाँ पे जो पार्टीज है ए या बी, दो पार्टीज का होना तो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इनका जो परफॉर्मेंस है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनका परफॉर्मेंस कैसे होगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी for 20,000 rupees, okay? When A will give the car and B will pay 20,000 rupees, the contract is said to be executed. मतलब जिसका already मतलब complete हुआ ये contract. किस तरह से A ने क्या कर दिया? A ने agree किया कि to sell his car to B. A ने उसकी car B को sell कर दी 20,000 rupees में.
एट दैट टाइम बी ने त्याचा परफॉर्मन्स काय केला, कुठल्या पद्धतीचा होता परफॉर्मन्स, दैट हैव विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मग त्याने त्या बदल्यात 20,000 रुपये ए ला देणं गरजेचं आहे. इट इज सेड टू बी एक्झिक्युटेड अँड दॅट वेन बोथ द पार्टीज परफॉर्म देअर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट नुसार तुम्ही काय केली, प्रोव्हिजन केली, परफॉर्मन्स केला आणि तुमच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्प्लीट केलेल्या आहेत, दॅट इज एक्झिक्युटेड कॉन्ट्रॅक्ट. कॉन्ट्रॅक्टचे किती टाइप्स, तुम्ही 7 टाइप्स आज स्टडी केलेले. इथे आपण आज थांबूया. यामध्ये काही अडचणी असतील तर 100% तुम्ही मला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करू शकता. ओके, सो आपण नेक्स्ट लेक्चरला पुढचा पार्ट स्टार्ट करूया. मी पुढच्या पार्टचं तुम्हाला नाव सांगते. आपल्याला अग्रीमेंट आणि कॉन्ट्रॅक्ट यामध्ये जे डिफरन्सिंग पॉइंट दिलेले आहेत ते आपण स्टडी करणार आहोत पुढच्या लेक्चरला. ओके ना, सो इथे आज थांबूया. थँक्यू सो मच वन्स अगेन.